राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 प्रताप नगर की प्रेस वार्ता में विद्यालय प्राचार्य श्री दिल बहादुर सिंह ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 उदयपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कदम प्रभावी रूप से उठाए गए हैं। विद्यालय में कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों के लिए विद्या प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों के विभिन्न खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मनोरंजन के साथ शिक्षा और प्रेरित किया जाता है। विद्यालय निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी पढ़ने लिखने तथा अंक गणित हल करने के लिए लक्ष्य को विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के द्वारा संपादित कर रहा है। इसके अंतर्गत FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में बच्चों के लिए भाषा और गणित सीखने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। क्रीड़ा शिक्षक, कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, नृत्य, कंप्यूटर और योग के अनुदेश नियुक्त है, जो अपनी नियमित कक्षाओं में बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उनके कौशल विकास में अपना योगदान देते हैं। पत्रकार वार्ता में विद्यालय के प्राचार्य श्री दिल बहादुर सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों पर पत्रकार के प्रश्नों पर उत्तर दिए। इस आयोजन के अवसर पर उपनिदेशक सूचना केंद्र उदयपुर डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हेकलिंगढ़ श्री अरुण कुमार, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मावली श्री महबूद अली, प्राचार्य सेंट एंथोनी श्री विलियम डिसूजा, उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक उदयपुर श्री अमृतलाल मीणा, श्री गोवर्धन वोरा, श्री जुलजारी लाल, श्री राजकुमार, श्री संदीप अरोड़ा, श्री इक्लेश मीणा एवं श्रीमती चेतना ने अपनी उपस्थिति एवं सहभाग द्वारा आयोजन को सफल 2020 की वर्ष तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति में दिए गए हैं, जो भी उपक्रम जो दिए गए हैं, उसको सभी स्कूलें, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, CBSE के स्कूलें और स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी प्रयोगों को अक्सर से पालन कर रहा है और सभी विद्यालयों में जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है जिस पॉलिसी के अंतर्गत में, उनको सभी कक्षाओं में और सभी शिक्षकों के साथ में बैठ करके और उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शिक्षा नीति छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस शिक्षा नीति से निसंदेह भारत की जो एक परिकल्पना है विश्व गुरु बनाने की, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक सपना है, इस शिक्षा नीति के द्वारा वो पूरा होगा, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।